जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। हमारे आचार्य जीनंद कटारा चैनल के संपूर्ण परिवारिकजनों को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सबके परिवार में खुशी समृद्धि की कामना प्रभु से करते हुए आज का बिंदु हम बता रहे हैं साधना क्षेत्र में अपनी माँ भगवती दुर्गा, अपनी कुलदेवी या कोई भी जगदम्ब भगवानी जो कि हमारी आदि शक्तियाँ हैं। आदि शक्ति अगर हमारी प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में हमें खुशियाँ मिलेंगी। आदि शक्ति को प्रसन्न करने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ तरीके होते हैं व्याधि नाशन के लिए, कुछ तरीके होते हैं रोग निवारण के लिए, कुछ तरीके होते हैं सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ तरीके होते हैं हमारे घर में आई हुई नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए और रोग दोष आदि निवारण के लिए। तो आज मैं जगदम्ब भवानी की पूजा बता रहा हूँ कलंक एवं रोग निवारण हेतु। आज का हमारा शीर्षक क्या है, कलंक ना लगे और रोग ना हो और तीसरा इसके साथ में शत्रुओं का हमारे ऊपर प्रकोप ना हो। तो कितना छोटा सा यह प्रयोग मैं बता रहा हूँ और कितने इसके हमारे तीन महान से महान हमारे प्रभाव हैं जो जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर आपको अग्रसर 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 करते ही रहेंगे। तो आओ प्रिय बंधु, मैं बताता हूँ आपको ये प्रयोग कितना अच्छा और थोड़े समय में करने से ही हमारे जीवन में तीनों सफलताओं की प्राप्ति होती है। मैं चाहता हूँ ये ज्ञान से जुड़ा विज्ञान है और विज्ञान हमें तुरंत तत्काल फल देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बांटें, खुशियों की लहर आगे बढ़ती रहे। इस प्रकार से आप अपने हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें एवं इस दुर्लभ वीडियो को अपने बंधु बांधवों में फॉरवर्ड करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें और लाइक ज़रूर बनता है, कमेंट्स भी करें ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। तो जब हमारे घर में रोगों की वृद्धि हो रही है और औषधि लेने पर भी सफलता नहीं मिल रही है या शत्रुओं का प्रकोप हमारे पास होता जा रहा है, संभव यह भी है कि कोई ने मंत्र तंत्र किया हो अथवा ना किया हो, दोनों में ही हमारी चीज़ कारगर है, तो क्या प्रयोग करेंगे। बड़ा दिव्य और दुर्लभ प्रयोग है पतासा, जो कि आमतौर पर हर पंसारी की दुकान पर, पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है, जो कि चीनी खांड बूरे से बनाया जाता है। पतासा प्राचीन समय की हमारी बड़ी शुद्ध मिठाई मानी जाती है, चाशनी शिशु बनाते पतासा। तो आपको मात्र 2 पतासे और 4 लौंग लेनी है, इतनी छोटी सी साधना है। 1 गाय के गोबर से अंगारा बनाना है, खीरा बनाना है और खीरा बना करके जब उसमें अपने घी डाल के अग्नि प्रज्वलित कर दें, अग्नि प्रज्वलित करते ही हमारे कुल देवी का, माँ जगदम्ब भवानी आदि शक्ति माँ काली का जरूर ध्यान करें और माँ काली का विजय ओम क्लीम ओम ओम क्लीम ओम ओम क्लीम ओम। अब यहाँ ध्यान रहे, आपको लक्ष्मी प्राप्ति की है तो ओम श्रीम ओम इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आपका डूबा हुआ धन को पुनर्प्राप्ति करनी है या कहीं आपके रिश्ते समाप्त हो गए उनको वापस जागृत करना है तो ओम ह्रीम ओम, ह्रीम में आकर्षण है जो हमारी चीज़ को, खोई चीज़ को ले आती हैं। और जब हमें शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित रखना है या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है या मुकदमा आदि से हम परेशान हो रहे हैं तो ओम क्लीम ओम। अब आप चाहते हो हम तीनों ही चीज़ चाहते हैं तो 2 पतासे की जगह 3 पतासा कर दें और 6 लौंग कर दें, यह भी ठीक है, अच्छा है, एक ही साथ में तीनों कामों अति उत्तम है। इन 3 पतासों को घी में या इनके ऊपर घी डाल दें, घी में डुबो दें और पहले ही इसमें लौंग, जिनके लौंग का फूल का हिस्सा ऊपर रहे और नुकीला हिस्सा अंदर पतासे में चला जाए, धीरे से बड़ी सावधानी से 2 उसमें लौंग चुबा दें, घी में डुबाएं, चम्मच से लें और जब अंगारा हमारा प्रलित हो जाए तो माँ जगदम्ब भवानी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे माते, हमारे घर में लक्ष्मी की निरंतर निरंतर वृद्धि होती रहे, सबके कारोबार हमारे दिव्य और श्रेष्ठ हों, ऐसा मन में प्रार्थना करके कौन सा मंत्र है, ओम श्रीम ओम 3 बार बोलेंगे, ओम श्रीम ओम ओम श्रीम ओम स्वाहा। फिर थोड़ी देर इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, वो पतासा जब पिघल जाए घी और डाल दें तो उस अंगारे के दूसरे छोर पर हे प्रभु हमारे संबंध कहीं नष्ट हो रहे हैं, पैसा हमारा डूबा हुआ है, घर में अशांति हो रही है, शांति वापस लौटे, पैसा वापस लौटे, संबंध हमारे वापस रीगेन करें, पुनर्स्थापित हों, ऐसी प्रार्थना करके ओम ह्रीम ओम ओम ह्रीम ओम ओम ह्रीम ओम स्वाहा ये अपने दूसरे पतासे की आहुति दे दें।
फिर तीसरी बार फिर करें, प्रभु शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, सर्वत्र श्री विजय प्राप्ति के लिए ये हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तो ओम क्लीम ओम स्वाहा, तीन बार बोलेंगे, ओम क्लीम ओम, ओम क्लीम ओम, ओम क्लीम ओम स्वाहा। फिर बीच बीच में जैसे आपने ओम श्रीम ओम बोला, उसी प्रकार से ओम ह्रीम ओम थोड़ी देर बोलें, थोड़ा गैप देने के बाद फिर ओम क्लीम ओम, ओम क्लीम ओम बोलते रहें। अग्नि की ज्वाला को देखते रहें, जितनी देर तक ज्वाला चले 5-10 मिनट, उतनी देर बैठ सकें तो अत्युत्तम होगा, और अत्यंत जल्दी है तो उस ज्योति की 4 परिक्रमा देके प्रभु से क्षमा प्रार्थना मांग करके आप चले जाएं। ये विधि के 2 प्रकार हैं। पहला विधि है कि आप जरूर से जरूर इस विधि को आप 7 दिन नियमित कर दें, या आप कभी कभी समय समय पर करते रहें, ये मंगल शनिवार को ज़्यादा प्रभावी होती है, अथवा जैसी जैसी आपको अवधि होती है आप उसे अपने समय के अनुसार करते रहें। एनी डे एनी टाइम भी कर सकते हैं, इससे आपके जीवन में समृद्धि और सफलता और सुखानुभूति जरूर आपको प्राप्त होती है। इसी विधान के साथ आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। जय श्री राधे एवं जय श्री कृष्ण।